हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 11.7 पे हैं और यहाँ कह रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वेन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 से वेन यहाँ दिया हुआ है कि एक्स इक्वल टू में है यहाँ पर कॉस इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस का टी स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू में है यहाँ पर साइन इनवर्स टी वाई में रूट अंडर 1 प्लस का टी स्क्वायर। और कह रहा है कि टी बिलोंग्स टू आर, टी क्या है, एक रियल नंबर है। चलिए अब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक क्या करता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ। मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। ये देख रहे हैं ना, यहाँ बाई में है, फ्रैक्शन है, इन सबको हटाऊंगा। देखिए अगर मैं यहाँ कॉस इनवर्स देख रहे हैं 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ अगर इसे मैं एंगल लेता हूँ तो बेस ये होगा, हाइपोटेनस आपका ये होगा, यही ना बाबा जी, कॉस इनवर्स के लिए जानते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा रूट अंडर इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर, तो ये टी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए इसके अकॉर्डिंग, अगर इसे मैं चाहूँ कि टेन में कन्वर्ट कर लूँ तो एक्स इक्वल टू में हो जाएगा टेन इनवर्स टी, ठीक है, पी वाई बी। और यहाँ से वाई इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, तो देखो ये साइन इनवर्स पी वाई में एच, यही ना है, तो इसे भी अगर टेन में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी हो जाएगा टेन इनवर्स टी, ठीक है, टेन इनवर्स टी। अब एक काम करते हैं, दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो इसमें पैरामीटर दिया है टी उसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी एक्स बाई में डी टी इक्वल टू में 1 बाई 1 प्लस का टी स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू में 1 बाई में 1 प्लस का टी स्क्वायर। अब क्या लिखते हैं इसको, इक्वेशन सेकेंड लिखते हैं और लिखेंगे डिवाइड, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन किससे, फर्स्ट से, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी वाई बाई डी टी और वाई में डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू में हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस का टी स्क्वायर और वाई में 1 बाई 1 प्लस का टी स्क्वायर। डी टी डी टी यहाँ से हटा देंगे, ये भी पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13 नंबर। यहाँ एक्स इक्वल टू में दिया हुआ है 1 माइनस का टी स्क्वायर बाई में 1 प्लस का टी स्क्वायर, और यहाँ वाई इक्वल टू में यू बाई वी पे पहले से डिफ्रेंशिएट करते के करके, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, क्या हो जाएगा यहाँ, डी एक्स बाई में डी टी इक्वल टू में देखिए ये हो जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और इस ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन माइनस का 2t इंटू में आपका 1 प्लस का टी स्क्वायर, फिर माइनस देखिए 1 माइनस का टी स्क्वायर ऐसे रखिए, और नीचे वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 2t। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डी एक्स बाई में डी टी इक्वल टू माइनस का 2t और यहाँ माइनस का 2t³ हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस का 2t और प्लस का 2t³ और y में 1 प्लस का टी स्क्वायर का स्क्वायर, इसी से ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या हो जाएगा आपका, डी एक्स बाई में डी टी इक्वल टू में माइनस का 4t बाई में 1 प्लस का टी स्क्वायर का स्क्वायर, इक्वेशन है ये फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब हम लोग देखते हैं, नाउ हमारे पास y इक्वल टू में क्या दिया है, 2t बाई में 1 प्लस का टी स्क्वायर, वाई का वैल्यू यही ना दिया हुआ है, ऊपर देख लीजिए यहाँ पे, मतलब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू में जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर 2 इंटू में 1 प्लस का टी स्क्वायर, माइनस देंगे 2t को वैसे ही, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा नीचे वाले का 2t, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू में 2 प्लस का 2t स्क्वायर माइनस का 4t स्क्वायर बाई में यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू में 2 माइनस का 2t स्क्वायर, देख रहे हैं ना, और बाई में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अब चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी इक्वल चाहो तो उसे 2 कॉमन करो तो 1 माइनस का टी स्क्वायर और बाई में नीचे 1 प्लस के टी स्क्वायर का
स्क्वायर। अब इसे इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। अब क्या लिखते हैं, डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे डिवाइड डिवाइड इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी टी, और बाई में यहाँ पे हो जाएगा आपका डी एक्स बाई में डी टी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, का यहाँ वैल्यू है टू इंटू में वन माइनस का टी स्क्वायर, बाई में यहाँ पर है वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या है, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या है, माइनस फोर टी बाई में वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए तो यहाँ हो जाएगा, इसके बाई में नीचे लिख देंगे माइनस का फोर टी बाई में वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, इससे हम लोग इसे काट सकते हैं टू टाइम्स में, यहाँ से डी टी डी टी कट जाएगा, तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर, और बाई में नीचे आपका ये टू टी हो जाएगा, इसका माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया। एक काम कर सकते हैं, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में आ जाएगा, प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का वन और बाई में टू टी, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा है कि इफ एक्स इक्वल टू टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा एंड वाई इक्वल टू में टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, प्रूव दैट डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थ्री थीटा बाई टू। चलिए हम लोग ये करके देखते हैं, एक्स इक्वल टू में दिया है टू कॉस थीटा माइनस का कॉस टू थीटा, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का टू साइन थीटा, कॉस का साइन हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे कॉस का माइनस साइन होगा, तो प्लस का साइन टू थीटा, और फिर टू थीटा का आपका हो जाएगा यहाँ पर टू। बात को समझे ना जी। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, या फिर इतना भी छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो सिंप्लीफाई में आप इसमें कर क्या सकते हैं, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू में इसमें टू कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा आपका साइन टू थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा माइनस का। अब यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू में यहाँ पर क्या हो जाएगा टू इंटू में साइन सी माइनस साइन डी का आप फॉर्मूला जानते हैं, साइन सी माइनस का साइन डी का फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला इसका, हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ऐसे होता है ना, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस, इन दोनों का ऐड करेंगे थ्री थीटा बाई टू और साइन थीटा बाई टू, इक्वेशन फर्स्ट होगा। अब देखो इसमें का टू जो है, एक ये टू है और एक इसमें का जो ये टू लग रहा है, वो दोनों हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए, इक्वेशन फर्स्ट इसे ना मानकर आप इसे मल्टीप्लाई भी करके भी लिख सकते थे, ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके ही इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा फाइनली डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू में, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू में फोर कॉस थ्री थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू, इक्वेशन फर्स्ट आप इसे ले लेते हैं। अब देख सेकेंड वाले को, इसका आप देखते हैं ना, वाई इक्वल टू में जो दिया हुआ है क्या था, वाई इक्वल टू में टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई में थीटा इक्वल टू टू साइन का यहाँ हो जाएगा कॉस, और यहाँ साइन का कॉस और टू थीटा का टू। चलिए अब देखते हैं डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू में यहाँ से टू कॉमन करेंगे, हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का कॉस टू थीटा, हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं इससे रिलेटेड, एक आइडेंटिटी फॉर्मूला जानते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी का, टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू, ये होता है ना जी, इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू में टू इंटू में टू साइन सी प्लस डी, यानी कि टू टू और थीटा और थ्री थीटा बाई टू हो जाएगा, और फिर हो जाएगा साइन डी माइनस सी बाई टू, यानी कि थीटा बाई में टू, इक्वेशन सेकेंड अगले स्टेप में करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके ठीक रहेगा, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू में लिख सकते हैं फोर साइन थ्री थीटा बाई टू
साइन थीटा बाई टू इक्वेशन सेकंड हो गया। अब डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट से, लिखते हैं यहाँ पर डिवाइड डिवाइड इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा यहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा बाई में डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू में यहाँ फोर साइन थ्री थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू, और इक्वेशन फर्स्ट में क्या था ऊपर फोर कॉस थ्री थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू, तो ये इससे काट देंगे फोर से फोर कट जाएगा डी थीटा से डी थीटा, यहाँ से आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा ना टेन थ्री थीटा बाई में टू, यही ना हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, यहाँ एक्स एंड वाई के वैल्यू दिया, हमें डी वाई बाई डी एक्स से प्रूफ करना है। एक्स इक्वल टू में दिया है ई टू द पावर कॉस टू टी, चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे प्राचल जो पैरामीटर इसमें टी है उसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ हो जाएगा आपका डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू में ई टू द पावर कॉस टू टी का ई टू द पावर कॉस टू टी ही होगा और कॉस टू टी का हो जाएगा माइनस का साइन टू टी और टू टी का हो जाएगा यहाँ पर टू, यानी कि अब लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू में ये इस किसका वैल्यू एक्स का ही वैल्यू होता है एक्स लिख दो और फिर ये जो है आपका माइनस टू माइनस टू एक्स साइन टू टी, ठीक है इक्वेशन हम लोग यहाँ दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग सेकेंड वाला, देखिए अच्छा एक और हम लोग काम करते हैं इसमें, यहाँ से देखिए हम लोग एक काम करते हैं इसको इधर जब लेके चले जाएंगे तो कॉस टू टी इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा लॉग एक्स, एक्सपोनेंट है इधर जाके लॉगरिथम बन जाएगा, इसका हम लोग आगे यूज करेंगे इसलिए मैं पहले सपोज कर ले रहा हूँ। चलिए अब इसके बाद जो सेकेंड वाला दिया है ना क्या दिया हुआ है वाई इक्वल टू में ई टू द पावर साइन टू टी, अब यहाँ से भी आप चाहोगे तो ये एक्सपोनेंट इधर जाएगा तो लॉग हो जाएगा, तो यानी कि लॉग वाई किसके इक्वल हो जाएगा आपके हो जाएगा ये साइन टू टी के, तो इसका यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे इसलिए मैंने ऐसे पहले ही निकाल लिया। अब इसके बाद देखिए अब इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू में ई टू द पावर साइन टू टी का ई टू द पावर साइन टू टी ही होगा, ठीक है साइन टू टी ही होगा और फिर साइन टू टी का कॉस टू टी टू टी का टू, यानी अब देखा जाए तो लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इक्वल टू में ये वाई का वैल्यू और यहाँ ये टू है और फिर ये आपका कॉस टू टी इक्वेशन सेकेंड। अब डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, तो लिखते हैं अब यहाँ पर नीचे कि डिवाइड डिवाइड इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी वाई बाई डी टी और इसके बाई में हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू में टू वाई कॉस टू टी और बाई में माइनस का टू एक्स साइन टू टी, यही ना था जी इक्वेशन फर्स्ट में देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से डी टी कैंसिल टू से टू हटा देंगे, अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस वाई कॉस टू टी जो है कॉस टू टी ऊपर देखिए किसके इक्वल है कॉस टू टी इक्वल है यहाँ पर लॉग एक्स के, ठीक है और साइन टू टी इक्वल है इसके लॉग वाई के, ठीक है तो आ जाएगा ऊपर लॉग एक्स और नीचे एक्स लॉग वाई, समझ गए ना हमें प्रूफ करना था हमने दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है कि इफ एक्स इक्वल टू कॉस टी वाई इक्वल टू साइन टी प्रूव डेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई रूट थ्री एट टी इक्वल टू टू पाई बाई थ्री, चलिए देखते हैं सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स इक्वल टू में दिया हुआ है कॉस टी वाई इक्वल टू में दिया है साइन टी, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू में माइनस का साइन टी इक्वेशन फर्स्ट एंड यहाँ पर डी वाई बाई डी टी इक्वल टू में कॉस टी इक्वेशन सेकेंड। अब डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या आएगा यहाँ पर डी वाई बाई डी टी और बाई में डी एक्स बाई में डी टी डी एक्स बाई में डी टी इक्वल टू में कॉस टी और बाई में माइनस का साइन टी, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ
माइनस का कॉट टी। अब देखिए कितना पे कह रहा है, 2π/3 पे ना कह रहा है, चलिए देखते हैं, है ना, एट टी इक्वल टू 2π/3 क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का कॉट 2π/3। तो आप चाहो तो इसे लिख सकते हो माइनस का कॉट पाई माइनस का पाई बाई थ्री। तो देखिए अब इसमें समझ लीजिए, राइट हैंड आपको ये ले लेते हैं इस तरह से, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ यहाँ आ जाएगा माइनस का कॉट पाई बाई थ्री, माइनस में प्लस कॉट पाई बाई थ्री, तो कॉट पाई बाई थ्री यानी कि कॉट 60° का वैल्यू होता है क्या चीज़, 1/√3, समझ गए ना, 1/√3, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, एक्स एंड वाई दिया हुआ है यहाँ पर, प्रूव है डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई वाई, से देखते हैं एक्स इक्वल टू में क्या है, ए इंटू में टी प्लस का 1/t, ठीक है, अब इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं पहले विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो हो जाएगा यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू में ए इंटू टी का 1 और 1/t का हो जाएगा माइनस 1/t², ठीक है, ये होगा ना जी। अब देखिए अब इसके बाद चाहो तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू में हो जाएगा ए इंटू में, यहाँ पर देखिए नीचे t² और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे t² माइनस का 1, समझे ना जी। तो इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। अब देखते हैं नाउ y इक्वल टू में है a इंटू में t माइनस 1/t, अब इसे हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, dy/dt इक्वल टू में a इंटू में t का डिफ्रेंशिएशन 1 और इसका हो जाएगा माइनस का 1/t², तो प्लस हो जाएगा 1/t². चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अंदर a, यहाँ पर अंदर एलसीएम ले लेते हैं t² तो t² प्लस का 1 यानी आ गया यहाँ से dy/dt इक्वल टू में a इंटू में t² प्लस 1/t², ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है, dy/dt और y में dx/dt इक्वल टू में a इंटू में t² प्लस 1/t² और नीचे हो जाएगा आपका a इंटू में क्या था जी ऊपर आपका t² माइनस 1/t², ये था, देख लेते एक बार, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है ना, चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं आगे, यहाँ देखो अब एक काम करते हैं, इसमें से टोटल को नहीं एक टी से एक टी काट देते हैं, एक टी से एक टी काट देते हैं और यहाँ डी टी से डी टी काट, क्योंकि हम एक्स बाई वाई प्रूव करना है इसलिए ऐसा हम लोग कर रहे हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, a इंटू में अंदर डिवाइड करेंगे तो t² / t और प्लस 1/t, नीचे देखिए a इंटू में t² / t और माइनस 1/t, यहाँ एक t से एक t कट जाएगा, यहाँ भी एक t से एक t कट जाएगा, तो यहाँ dy/dx इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा a इंटू में t प्लस का 1/t और नीचे आ जाएगा a इंटू में t माइनस का 1/t। तो ये दोनों वैल्यू देख लो एक बार किसके हैं, ये ऊपर, ठीक है, ये x का वैल्यू है और ये y का, प्लस वाला x का और y वाला माइनस का है। चलिए तो यहाँ पर अब हम लोग लिख सकते हैं कि dy/dx इक्वल टू में x/y, यही ना हमें प्रूफ करना था, हमने कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, इफ x इक्वल टू में दिया है साइन इनवर्स 2t/1 + t² एंड y इक्वल टू टेन इनवर्स 2t/1 - t², तो यहाँ टी लाई कर रहा है माइनस 1 से 1 के बीच, तो dy/dx 1 प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं, x इक्वल टू में दिया है साइन इनवर्स 2t/1 + t² एंड y इक्वल टू में है टेन इनवर्स 2t/1 - t². अब इसके बाद देखिए हमें डी वाई डी एक्स निकाला है, तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला है आपका 2 tan inverse x का 2 tan inverse t का एंड यहाँ ये y इक्वल टू में 2 tan inverse t का ही ये भी फॉर्मूला है ना जी। तो दोनों को अगर डिफ्रेंशिएट किया जाएगा t के रेस्पेक्ट में तो सेम ही आएगा, देखो
हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू में टू इंटू में वन बाई वन प्लस का टी स्क्वायर, यानी कि आप लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू में टू बाई वन प्लस का टी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है, ये कुछ नहीं है, समझे ना। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी टी इक्वल टू में टू इंटू में वन प्लस का टी स्क्वायर, यानी आ जाएगा यहाँ पर डी वाई बाई डी टी इक्वल टू में टू बाई वन प्लस का टी स्क्वायर, इक्वेशन हम लोग सेकेंड कर लेते हैं। अब इसे डिवाइड करके देखते हैं, लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर कि डिवाइड इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी टी बाई में डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू में देखिए क्या हो जाएगा टू बाई में वन प्लस का टी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा टू बाई में वन प्लस का टी स्क्वायर, पूरा पूरा कट जाएगा वन आ जाएगा। यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू वन हो गया। इन्हें हमें प्रूव करके दिखाना था, समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही डन देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।